हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की समरी, अब बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए हैं, ठीक है, जेई का पेपर भी पास आ गया और नीट का पेपर भी पास आ गया। अब केमिस्ट्री को लास्ट डेज में रिवीजन कैसे करनी है, चैप्टर अब आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, बट उसके लास्ट टाइम लास्ट मिनट्स रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। देखो फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, ठीक है, ये नोट्स होते हैं सेल्फ नोट्स अपने आप तैयार करने के लिए। देखो मोलैरिटी अगर आ जाती है फाइंड आउट करने के लिए, तो फॉर्मूला मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मिलीलीटर में गिवन होगा क्वेश्चन में, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। मिलीलीटर के कारण क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे पास दो चीजें होती हैं, वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट, है ना, ये दो चीजें हैं। कम क्वांटिटी में क्या है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर मैं शरबत लू, शरबत ग्लास में थोड़ा सा शरबत डाला, बाकी पानी डाल दिया, सो दैट शुगर कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर इज सॉल्यूट, जो मैंने वाटर मिक्स किया दैट इज सॉल्वेंट, जिसमें मिक्स किया, ठीक है। सो कम क्वांटिटी में सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट, ठीक है। सो क्लियर है ये फॉर्मूला, मोलैरिटी विल बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा, जितने भी क्वेश्चन में मुझे जितना भी मास दिया गया होगा, 53 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, 4 ग्राम्स, ठीक है ना, 2 ग्राम्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेना है। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2O है, इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करूंगा, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, और कितना हो गया, 2 + 16 = 18, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 + 32 = 44 ग्राम्स। सो ये आ गया मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से हमने ये कर लेने हैं, गिवन अपॉन फाइंड आउट कर लेना, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। मोलैलिटी, मोलैरिटी थी कैपिटल एम से, मोलैलिटी है स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में है, वो वॉल्यूम था मिलीलीटर में, ये मास है ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो मोलैलिटी विल बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया स्ट्रेंथ, फोर्थ नंबर पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलैरिटी जो मैंने कैपिटल एम कैलकुलेट की है उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास के साथ, ठीक है, ये मेरी आ गई स्ट्रेंथ। किसी भी चीज की स्ट्रेंथ पूछी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेनी है और मोलर मास। किसी का भी सेकंड, जैसे एक लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट हो सकता है कि स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करो, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, जैसे मेरे पास लेट्स ए
एंड बी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, जितने भी टोटल कॉम्पोनेंट्स हैं उनको प्लस करके ऊपर क्या वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में सिर्फ ए की, नीचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितने भी है, और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, जनरली ये कहा जाता है कि हमेशा ये जो रेशियो है ना मोल फ्रैक्शन की, ये वन के बराबर होती है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ टू कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू वन। चलो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ मल्टीप्लाई बाय सॉल्युबिलिटी, और एक हमारे पास है कि हेनरीज लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग हेनरीज लॉ इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, वैल्यू हेनरी की इंक्रीज कर रही है, सो टी इज टेम्परेचर, के एच इज हेनरीज लॉ, पी इज पार्शियल प्रेशर, एक्स इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज आ गए मेरे पास साथ में, टोटल मोल फ्रैक्शन आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और हेनरीज लॉ आ गया पी इज इक्वल टू के एच एक्स, और के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम लिखते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस एम एम बी। ठीक है, अब यहां पे छोटा एम क्या है, मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी, कैपिटल एम इज मोलैरिटी, डी इज डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और एम बी है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, ये दो पहले तो डिफरेंसेस पता होने चाहिए। दोनों में रिलेशन एक्सप्रेशन रिलेशन क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस कैपिटल एम टू द फुट बी। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास आ गया इसमें जो स्मॉल एम है ना दैट इज मोलैरिटी, बिगर एम जो बड़े वाला एम है दैट इज मोलैरिटी, जहां पे भी आ रहा है ये मोलैरिटी आ रहा है, ये भी मोलैरिटी आ रहा है, डी है डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये भी मल्टीप्लाई बाय 1000 है, एम बी मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एम बी मनमीत बजाज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास रॉल्ट्स लॉ, नेक्स्ट है मेरे पास आर ए ओ यू एल टी एस रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, रॉल्ट साइंटिस्ट ने लॉ दिया। नेक्स्ट है मेरे पास रॉल्ट्स लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करते हैं, जो सॉल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे दैट आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, लॉ क्या कहता है, दैट टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, लिख दिया मैंने साथ साथ, पीटी इज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
P naught A partial pressure of liquid A, P naught B partial pressure of liquid B, X A mole fraction of A, X B mole fraction of B. Clear? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना सॉल्यूशन चैप्टर का बेस है, जान है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रेशर जो वेपर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनकी बात, उसकी बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कैटेगरी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो सी, मैं बात कर रहा हूं, चलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन होता है, एक्सप्रेशन होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम बी. ध्यान से देखना, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए और एम बी, ये ए बी, ये बी ए, उल्टा, ठीक है, इनवर्स साइड दूसरे के, ठीक है. दिस इज पार्शियल प्रेशर, पी फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इन नॉर्मल स्टेट, इन प्योर स्टेट. अच्छा, अब डब्ल्यू बी की जब बारी आती है, सो डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ, डब्ल्यू बी इज द, ये देखो, डब्ल्यू बी जो है दैट इज मास ऑफ, ठीक है, डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ सोल्यूट. ये हमेशा किसमें दिया होगा, इन ग्राम्स, या हमने क्या कन्वर्ट करना है इसको, इन ग्राम्स में, ठीक है. चलो, इसके बाद आ जाता है डब्ल्यू बी. डब्ल्यू बी मेरे पास क्या है, ये तो आ गया ना मास ऑफ सोल्यूट. इसके बाद मेरे पास आता है एम बी. एम बी, एम बी का मतलब है, देखो, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये भी ग्राम्स में, इन ग्राम्स पर मोल, इन ग्राम्स पर मोल, ये डब्ल्यू बी भी हो गया और एम बी भी हो गया, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, ओरिजिनल स्टेट और नई स्टेट में डिफरेंस दोनों का. डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है. सो टी बी माइनस टी नॉट बी. दीदी,